तो खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन की ओर से बयान दिया गया है और इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ कांग्रेस की मैनिफेस्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन गीता बुक्कल के द्वारा खास बातचीत की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी तक मैनिफेस्टो कमेटी की कुल 15 बैठकें हो चुकी हैं। हमारा मैनिफेस्टो सभी को न्याय देने वाला होगा। कांग्रेस गरीबों के साथ न्याय करने का काम करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर के 26 जून को बैठक करेंगे। इसके अलावा किरण चौधरी को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया। बेटी को सांसद बनाने का भी काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। तो ये तमाम अहम बातें आपको बता दें कि गीता बुक्कल के द्वारा कही गई इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत में। मैनिफेस्टिंग कमेटी की आपको बता दें मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं गीता बुक्कल, जहां पर उन्होंने ये कहा कि 15 बैठकें मैनिफेस्टो को लेकर के हो चुकी हैं। जो है लगातार बैठकें कर रही है हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी की, बैठकें जो है वो लगातार की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता बुक्कल जी हमारे साथ है। मैम, लगातार बैठकें जो है वो की जा रही है, 2 से 2.5 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है, किस तरीके का मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया जा रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ जिस प्रकार से लोकसभा का चुनाव हुआ और आपने देखा होगा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो एक घोषणा पत्र तैयार हुआ, न्याय पत्र तैयार हुआ, इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और इसको कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला। हमने सबसे पहली जो बात युवाओं को न्याय देने की बात कही थी, बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, वो या ड्रग्स की चपेट में आ रहा है या वो देश छोड़कर जा रहा है, तो युवाओं को न्याय देने की बात सबसे बड़ा हमारा मेन एजेंडा रहेगा। साथ साथ में किसानों को न्याय, किसानों को MSP की बात है या बहुत सारे किसानों को लेकर जो है किसान हमारे घोषणा पत्र का मेन हिस्सा रहेंगे। महिलाएं, विशेष तौर से महिला सुरक्षा, महिला शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पर उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना और इसके साथ साथ टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे स्कूल कॉलेज ऐसे हैं, इस सरकार ने बहुत सारे स्कूल बंद करने का काम किया, भर्तियां कोई की नहीं, हम लोग पक्की नौकरी देने का वायदा जो है वो करने का काम करेंगे। मेडिकल एजुकेशन में हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं, सारे हॉस्पिटल्स हमारे खाली पड़े हैं। हम ये नहीं कि इन्होंने कहा था हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, केवल बिल्डिंग एक मेडिकल कॉलेज नहीं होता, हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर शिक्षा और शिक्षा चिकित्सा में दोनों में ही देने का हम लोग काम करेंगे। किन पॉइंट या किन मुद्दों को तरजीह जो है इन मैनिफेस्टो में दी जाएगी जो लोगों की जरूरत बने, और कौन सा वो ऐसा मुद्दा होगा जिसको इसको मतलब स्पेसिफिकली रखा जाएगा इसका? देखिए, आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का, चाहे हमारा केंद्र का मैनिफेस्टो है या हमारे हरियाणा का घोषणा पत्र, जब हमारी 2005 में सरकार आई या जो 2009 में हमारी सरकार आई, जो भी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए थे, घोषणा पत्र के में किए गए वायदों से ज़्यादा बढ़कर कांग्रेस ने काम करने का काम किया है। और अभी भी जो हमारा, चाहे 2019 का घोषणा पत्र था या जो अब हम घोषणा पत्र बनाएंगे, हम वो वायदा करेंगे जो हमारी सरकार बनने पर हम उस वायदे को पूरा करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, हाल ही में जो आपकी पार्टी के विधायक हैं किरण चौधरी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, BJP में ज्वाइन कर लिया है, तो किस तरीके से देखते हैं पार्टी को, क्या नुकसान होगा उनके जाने से? देखिए, किरण चौधरी जी गई हैं, BJP ज्वाइन उन्होंने की है, बहुत सारे कांग्रेस में सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने पार्टी ज्वाइन भी की है। किरण चौधरी जी को कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमांड ने हमेशा मान सम्मान देने का काम किया, लगातार उनकी पूरी अच्छे ढंग से सुनवाई भी रही, उनकी बेटी भी सांसद यहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर रही हैं, साथ ही साथ में किरण चौधरी जी डिप्टी स्पीकर के पद पर भी सुशोभित रही हैं। और जिस समय 10 साल तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 10 साल तक कैबिनेट मंत्री के रूप में विभिन्न मंत्रालय उनके पास, किरण चौधरी जी के पास रहे थे, फिर भी अगर उनको लगता है उनका मान सम्मान नहीं है, उनकी जो भी इच्छाएँ होंगी, हो सकता है वो BJP में जाकर पूरी हो, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। बातचीत करने के लिए तो ये थी हमारे साथ मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरमैन गीता बुक्कल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार जो बैठकें जो है वो मैनिफेस्टो को लेकर की जा रही है और आने वाले दिनों में मैनिफेस्टो जो है वो तैयार किया जाएगा, और जो भी जिस तरीके से तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो युवाओं से जुड़े हों, महिलाओं से जुड़े हों, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैनिफेस्टो जो ये है तैयार किया जाएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज़।